You remember me, right? Welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. And this is a reaction video after 9 days. I'm making a video. हम बीच बीच में मैं लाइव आई थी लेकिन मैंने सोचा वीडियो भी बना के डालना चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक चैनल को यहां तक लाने में जहां तक ये है अभी. ठीक है, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाया जाए. तो आज मैं 3 लोगों के बारे में बात करने वाली हूँ. आप लोगों ने देखा होगा कि YT पे आजकल ट्रेंड हो रहा है कि एक से ज्यादा शादी करके दो दो लुगाइयां रख लो. तो वैसी ही एक ये भी एक ट्रायो है जिसमें पहली जो वाइफ है उनका नाम है सोनू, दूसरी वाइफ है उनका नाम है पिंकी और जो हस्बैंड है उनका नाम है विकास. देखने में बड़े दबंग लगते हैं बट आई डोंट थिंक सो कि इतने दबंग हैं. अब इनका पूरा सीन जो लोग जिसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं और उन्हें लगता है कि ये सही है वो गलत है, वो गलत है ये सही है, तो मैं आज आपको पूरी चीज बताने वाली हूं कि क्या हुआ है इनके बीच में. और जैसे कि अरमान मलिक कहते हैं कि हमें ना एक्चुअली प्यार हो गया तो हमने शादी कर ली तो हमारे साथ बस हो गया, तो वैसे ही इनके साथ भी चीजें हो रही थी. तो आपको बताते हूँ कि ये लोग मिले कैसे हैं. तो जिनको लगता है कि जो सोनू है वो पहली वाइफ है, तो हाँ वो पहली लीगल वाइफ है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है. लेकिन एक्चुअली एंड टेक्निकली शी इज नॉट द फर्स्ट लीगल वाइफ, जो आज मैं आप लोग को यहाँ पे पूरा बताने वाली हूँ. सबसे पहले जो है ये विकास जी, जिनको मैं बोलूंगी वी, मिस्टर वी, मिस्टर वी मिले थे मिस टी से, तब इनकी शादी नहीं हुई थी. इन लोगों को एक दूसरे को बहुत पसंद आ गए एंड दे फेल इन लव विद ईच अदर. एंड क्या हुआ कि जो पी थी वो कहीं काम कर रही थी या कुछ पढ़ाई कर रही थी, ऐसा कुछ कर रही थी, बट घर से दूर थी. तो इन्होंने डिसाइड किया दोनों ने कि हम शादी कर लेंगे. अब कुछ कास्ट का भी इशू था इनके बीच में, तो क्या हुआ इन दोनों ने ही कर ली कोर्ट मैरिज. जी, मिस्टर वी एंड पी जी ने कर ली कोर्ट मैरिज. और पी जी ने अपने घर में किसी को बता दिया, किसी एक को बता दिया कि हमने ऐसा कर लिया है. उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि पी जी की फैमिली बहुत ही अगेंस्ट थी कि तुमने ऐसे कैसे शादी कर ली, उन्होंने क्या किया कि इनको किसी बहाने से वापस घर बुला लिया और पीछे से इनके घर में घुस के वो जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको जला मारा या फेंक दिया, फाड़ के कुछ तो कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जो इनके लीगल डॉक्यूमेंट्स थे कोर्ट मैरिज के. ठीक है, तो इनकी शादी वहां पे वो टूट फूट गई. एंड फिर वी जी को बहुत सारी धमकियां दी और बोला दूर रहो और तुम इनसे ना मिलो, ये ना होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए. तो दोनों अलग अलग हो गए. मिस्टर वी चले गए बहुत बड़े वाले डिप्रेशन में, इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि वहां पे इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें. तो उसके बाद इन्हें दिख गई कौन, मिस एस दिख गई, जो अभी इनकी लीगली फर्स्ट वाइफ है, मिस एस दिख गई और इन्हें उनसे प्यार हो गया. क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़े दिलफेंक आशिक हैं, इनको उससे प्यार हो गया और इन्होंने उससे कर ली शादी. कौन सी वाली शादी, जमाने को दिखाने वाली शादी, और वो बन गई इनकी पहली लीगल वाइफ. अब ये दोनों अलग अलग थे, मतलब पी और वी अलग अलग थे, वी अपने घर में बिजी हो गए, वो शादी कर लिए, उनके बच्चे हो गए एंड ही वॉज लिविंग हिज लाइफ पीसफुली. अब मुझे ये देखो ये वाली इतने निटिग्रिटी में मैं नहीं जा रही कि पहला बच्चा होने के बाद पी वापस आई या दूसरा बच्चा होने के बाद पी वापस आई या जब वो प्रेग्नेंट थी तब पी वापस आई, इतना मुझे नहीं ध्यान है. मैं बिल्कुल कंफर्म करके बताऊंगी. तो क्या हुआ कि फिर इसके बाद जब इनकी शादीशुदा जीवन चल रहा था तो इनको पी दिख गई, फिर से पी दिख गई क्योंकि वे किसी काम से वापस आई तो इनको पी दिख गई. और फिर वही पुराना प्यार जाग उठा, उमड़ गया एकदम, मतलब जिसको कहते हैं ना पागल हो गए फिर से एक दूसरे के प्यार में. और क्या किया कि शादी कर ली. शादी करने के लिए पी तैयार नहीं थी, बिल्कुल भी तैयार नहीं थी. उसने बोला कि भाई तुम्हारी तो शादी हो गई, मैं क्यों करूं तुमसे शादी. बट ये इतने पागल हो गए थे कि मतलब कुछ कहने ही नहीं. और इनके एस जो है उनके बीच में काफी सारी ये भी हो गई थी, लड़ाई झगड़ा हो गया था एंड दे वर नॉट हैप्पी वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में. एंड पता नहीं क्या क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ इनके बीच में, इतने ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी मैं. लेकिन मैं जो भी सब्सक्राइबर्स यहां पर हैं जिन्हें लग रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, मैं उनको एक हिंट दे रही हूं. जिन्हें सच लगे वो सच मानो, जिन्हें सच ना लगे देखो भाई हम यहाँ पे किसी को कोई प्रूफ देने नहीं बैठे हैं. बट हाँ ये जो चीजें हैं ये सच है, ये कभी ना कभी बाहर खुद ब खुद आएंगी, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा. क्योंकि हमने जो है सच बोलना नहीं छोड़ा है लेकिन बहुत सारी चीजें हमने छोड़ दी. तो पी इनके लाइफ में वापस आ गई, ये एकदम से पागल हो गए उनके पीछे और इन्होंने उसे शादी करनी चाही. और फिर भी और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं जहां पे एस जी ने पी को खुद मनाया है कि प्लीज शादी कर लो वरना ये पागल हो जाएगा, वरना ये ऐसा हो जाएगा, वरना ये वैसा हो जाएगा. खुद मनाया है उसको और बोला है कि तुम मतलब रह लो साथ में इसके, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बट प्लीज इसके साथ में रहना.
अब क्या हुआ है कि फिर इनकी भी शादी हो गई, फिर ये इनके भी बच्चे हो गए, और आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी, हम बहने हैं, मेरी बहन सबसे अच्छी, ये वो, जो सौतन बनी सहेली वाला जो सीन चल रहा था उसके ऊपर बहुत सारी रील्स बन रही थी, आप सबने देखा, हमने भी देखा। लेकिन क्या होता है ना कि सौतन तो सौतन ही होती, हर कोई पायल मलिक नहीं होती कि एकदम हंस के दांत निपोर के खींच निपोर के ऐसे आ जाओ बहन, आओ माई जिंदगी बर्बाद करो करे, है ना। तो सारे लोग वैसे नहीं होते। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने वैसे ही काफी कोशिश की कि हम एक दूसरे के साथ बहुत दिखे कि हम बड़े अच्छे से रह रहे हैं, हम भी बड़े प्यार से रह रहे हैं, बट ऐसा हुआ नहीं इनके यहाँ। तो जो बड़ी वाली थी वो मेन घर लेकर के अलग हो गई, जिस घर में इस वक्त वो रहती है, और जो PNV है वो आके दूसरे घर में रहने लग गए, जो घर खरीद के दिया वी जी ने पी को, पी के नाम पे जिस घर में वो रहती है वो उसी के नाम पे घर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, तो ये तो है इनकी शादी की सच्चाई। तो अब आप मुझे ये बताइए डिसाइड करके कि आपको क्या लगता है कि पहली बीवी लीगली कौन है, जस्ट बिकॉज दुनिया के सामने दिखा के जिससे शादी की वो, या जिससे एक्चुअली प्रॉपर एक शादी की वो, आप जिससे प्रॉपर शादी की पहली, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसकी जिंदगी बर्बाद करने में किस किस का हाथ है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है इसमें वी का हाथ है, इसमें पी का खुद का भी हाथ है, और इसमें पी के घर वालों का भी हाथ है। इतना रायता तुमने ना फैलाया होता तो आज तुम्हारे घर की बेटी इस तरह बेइज्जत ना हो रही होती। चीजें और भी हैं जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, सारी ही चीजें इसी एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अभी जो इनकी लड़ाई हुई है, उस लड़ाई को लेकर के अगर मैं अभी बात करूं तो इन तीनों में हो रही है घमासान लड़ाई, जहां पे वी जी जो है बिल्कुल पूरी तरह से गायब है, कोई अपीयरेंस नहीं है, कोई गेस्ट अपीयरेंस भी नहीं है उनकी इस पूरी लड़ाई में, ठीक है। इस लड़ाई के भी डिटेल्स मैं आपको देती हूं, लेकिन उसके पहले मेरा सवाल इन तीनों से ये है कि सबसे बड़ा कल्प्रेट तो मैं वी को मानती हूं, जो हस्बैंड है, जिनकी दो वाइफ है, कि आपको मतलब अपने दिमाग पे, अपने दिल पे जरा सा भी कंट्रोल नहीं है कि अगर आपका, आपने कोई शादी की किसी लड़की के साथ, उसके साथ अगर ऐसा हुआ तो आप वेट नहीं कर सकते थे, आपको तुरंत आपने दूसरी अल्टरनेटिव ढूंढ ली, अल्टरनेटिव से भी आपका दिल नहीं लगा है, तो आपने वापस उसके पास जाना पसंद किया, है ना। सबसे बड़े कल्परेट तो ये है। दूसरी कल्परेट है पी जी, कि जब आपने शादी कर ही ली थी फिर आपने घर वालों की सुन के घर पे क्यों बैठे तुम, फिर तुमको चले जाना चाहिए था ना अपना जीवन बनाने के लिए, और तुमको पहले थोड़ा R&D करना चाहिए था कि जो आदमी तुम्हें पसंद आ रहा है वो है कैसा, क्या वो इतने भरोसे के लायक है कि ऐसा कुछ हो जाए या ऐसा कुछ अलग हो जाए तो वो शादी नहीं करेगा। मुझे तो लगता है तुम दोनों का प्यार जो था वो प्यार था ही नहीं, क्योंकि जब एक बार प्यार होता है, इनफैक्ट वी जी का तो बिल्कुल भी प्यार नहीं था, उन्होंने तो तुरंत ऑप्शन ढूंढ लिया कि दूसरा ऑप्शन बन जाएगी ये वाली लड़की, तो मेरे हिसाब से तो वहां पे वो गलत हो गए, पी गलत हो गई, क्योंकि पी चली गई घर पर बैठ गई, उन्होंने गिव अप कर दिया, शादी करने के बाद भी गिव अप कर दिया, है ना, और अभी भी उन्होंने गिव अप ही किया है। और अब यहां पे एस की गलती ये है कि एस जी को मैं ये पूछना चाहती हूं कि भाई जब आपका हस्बैंड वापस इस लेडी को लेकर के घर पे आया तो आपने उसको मनाया क्यों कि मेरे पति के साथ रह लो, मेरे साथ वो खुश नहीं है, पागल हो जाएगा, तुम कर लो शादी, रहो उसके साथ। ये जो आप अभी आवाज उठा रही हैं, आप अभी जो लोगों को गाली पक रही हैं, ये सब काम आपने तब क्यों नहीं किया, ये आवाज आपने तब क्यों नहीं उठाई जब ये स्टार्ट हुआ था, ये आवाज उठाने में आपको इतना दिन क्यों लग गया, जब उसके भी दो बच्चे हो गए, आपके भी दो बच्चे हो गए, अब आपको लग रहा है मेरा हस्बैंड मुझे वापस चाहिए। आपको अपना हस्बैंड वापस उसी दिन मांगना चाहिए था जिस दिन आपका हस्बैंड दूसरी बीवी को लेकर के घर आया था, पर उस वक्त आपने अपना फायदा देखा, आपने फायदा ये देखा कि घर मुझे मिलेगा, सास ससुर मुझे मिलेंगे, सब तो मुझे ही मिलेगा, मेरी तो चांदी चांदी है, और हस्बैंड के साथ तो मैं भी खुश नहीं हूं और वो भी मेरे साथ खुश नहीं है, तो जाए दूसरी के साथ रहे। आपने ये वाला सौदा किया है अपने इस, ये जो भी आपका अभी इस वक्त चल रहा है। तो जिनको भी लगता है कि तीनों में से कोई भी सही है, तीनों में से कोई भी सही नहीं है, ये जो है ना लव सेक्स और धोखा की कहानी मान के चलो आप लोग, और इसके आगे कुछ है नहीं, ये लोग किसी को भी, ये लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। और रही बात दूसरी पीजी की, पीजी ने दो वीडियो डाले कि हमको और हमारे बच्चों को जीने दो, हमारे बच्चे मत छीन लेना, ये मत कर लेना, वो मत कर लेना, हम पति को छोड़ देंगे, अभी उन्होंने बोल दिया है, अभी पीजी ने अपने एक वीडियो में बोला, जो वीडियो अब डिलीट हो चुकी है, कि इनके जो पति हैं वो अपना बोरिया बिस्तर समेट के जा चुके हैं, कहां गए हैं उन्हें नहीं पता, और कहां गए हैं ये पहली वाली को भी नहीं पता है, और अभी दूसरी वाली अपना काम कर रही है शांति से, तो इसको काम नहीं करने दे रही है पहली वाली,
आगे दूसरों की लाइफ में उसको सुना रही है। क्यों? ये सब आपको तब सुनाना चाहिए था ना जब पहले दिन वो आपके घर में स्टेप इन किया था उस लड़की ने। तो यहां पे गलती तो आपकी भी है, सीधी तो आप भी नहीं है, सीधी तो वो भी नहीं है, और सीधे आपके हस्बैंड भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो भी सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि इनके बीच में क्या हुआ है, प्लीज 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 थोड़ा देखिए कि कैसे लोगों को फॉलो करते हो। कोई भी सही नहीं है, अपनी असलियत ये लोग बता नहीं पा रहे, इनको शर्म आ रही है, किस मुंह से बताएंगे ये सब। बुरा लगेगा ना लोगों को सुन के, लोग गाली देंगे ना, सबको गाली देंगे, तीनों को गाली देंगे, और घर वाले भी महान, और पी के घर वाले तो महामहान। कि लड़की ने तुम्हारी शादी कर ली, तुमने उसके शादी के पेपर जला दिए, वो कहीं की नहीं रह गई, तुमने उसको अपने पास रख लिया, वो बाद में लौट के वापस उसी आदमी के पास चली गई, वो और परम मूर्ख। और आदमी का अपने दिल दिमाग पे कंट्रोल नहीं था, जैसे ही उसको पता चला कि अरे भाई ये हो गया, इसके हमारे तो पेपर जल गए हैं, उसके तो घर वालों को पता चल गया, तुम्हें इतने फट्टू थे तो तुमने काहे की थी शादी उससे, जब तुम डर रहे थे कि वो लोग तुमको मार ना दे जान से, तुमने काहे की थी शादी उससे, और फिर तुमने तुरंत झटपट यूं अल्टरनेटिव ढूंढ लिया कि अच्छा इससे नहीं तो इससे सही। बताओ ना, ये सारी चीजें आगे क्लियर करो। अभी इनके लड़ाई का स्टेटस ये है कि जो पति है वो भाग चुका है दोनों को छोड़ के, ना तेरे साथ रहना ना तेरे साथ रहना। पहले मतलब एक मयान में दो तलवार रख लो, उसके बाद दोनों को बोलो दोनों के साथ नहीं रहना। अब दोनों सोशल मीडिया पे लड़ रही है, पति गायब है, हो सकता है पति तीसरी ढूंढ ले, क्योंकि वो तो वैसे ही दिमाग का आदमी है, हो सकता है कोई तीसरी खोज लियो, वो उसके पास हो, यू नेवर नो, बिकॉज दोनों को ही नहीं पता है कि वो कहां है। ये है इनके प्यार की कहानी, ये बहुत ही अनमोल और अचंभित करने वाली कहानी है। आप लोग भी पता लगाइए, कहानी यही है, और मैं यही चाहूंगी कि सच बता दिया जाए दुनिया वालों को कि क्या है तुम लोगों के बीच का सच, इतना गंदा वाला सच। आओ बताओ सबको, ऐसे कंफ्यूज करके मत छोड़ो ऑडियंस को। ये अपने तरफ से बोलती है, जो दूसरी जो पहली बीवी है, मतलब जो पहले दूसरी दूसरे से जिसकी शादी, मतलब जो एक्चुअली पहली बीवी दुनिया के लिए है पर वो एक्चुअली दूसरी है, और जो दूसरी बीवी दुनिया के लिए और लेकिन एक्चुअली पहली बीवी है, ये दोनों आपस में लड़ते हैं। जो दुनिया के लिए पहली बीवी है वो उसको हेट दिलवाती है, क्या सोच के, पहले तो तुम ही नहीं सौदा किया था, इतना टाइम क्यों लगा, अभी तक सो रही थी तुम, उसके बाद वाईटी पर आओ, इंस्टाग्राम पर लाइव आओ, लोगों को गाली बको। अरे अपनी पहले सच्चाई बता लो लोगों को, उसके बाद गाली बको, क्योंकि तुम तीनों में से कोई गाली बकने के सिचुएशन में हो नहीं। बाकी और भी चीजें मैं आप लोगों को बताती रहूंगी, लेकिन आज का ये वीडियो इतना ही, बहुत लंबा नहीं करूंगी क्योंकि टॉपिक ही नया है, आप लोगों को पता ही नहीं है। बात कर रही थी पिंकी, विकास और सोनू जी की। तो मेरा आज का ये वीडियो इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए देखिए, आई एम स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल, एंड बाय, जय महाकाल। See